विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित चौथी बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनकर रिकॉर्ड बनाने का सपना देख रही हैं। तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। समाज के हर तबके को लुभाने की कोशिशें की जा रही हैं। इस बार टिकट किसे मिलेगी और किसका पत्ता कटेगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। हालांकि फैसला कांग्रेस आलाकमान को करना है, लेकिन टिकट के दावेदारों ने शक्ति प्रदर्शन के जरिए शीर्ष नेतृत्व को निभाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने सम्मेलनों में अश्लीलता परोसकर भीड़ जुटा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें दिल्ली के किरारी विधानसभा क्षेत्र की हैं। कांग्रेस से टिकट के लिए जोर आजमाइश कर रहे नीरज कुमार झा ने ये महफिल सजाई थी। कार्यक्रम पूर्वांचलियों के लिए था, लेकिन कार्यक्रम में नीरज कुमार झा और उनके कार्यकर्ताओं ने प्रोफेशनल डांसरों को बुलाया था और इन डांसरों ने ही स्टेज की शोभा कुछ इस तरह से बढ़ाई थी। कार्यक्रम में अश्लील डांस यूं ही होता रहा और कांग्रेस के कार्यकर्ता इन डांसरों पर जमकर पैसे लुटाते रहे। इस सीट से कांग्रेस के दावेदार नीरज कुमार झा ने अपनी इस महफिल में सांसद कृष्णा तीरथ को भी न्योता दिया था, लेकिन वो किसी निजी काम के चलते यहां नहीं पहुंच सके। लेकिन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष साधुराम मित्तल और कई अन्य पदाधिकारियों ने इस महफिल का जमकर लुत्फ उठाया। दरअसल किरारी विधानसभा में पूर्वांचलियों की तादाद बेहद ज्यादा है और यहां से बीजेपी के विधायक अनिल झा हैं। ऐसे में नीरज कुमार झा को लगता है कि पूर्वांचलियों को निभाने का इससे बढ़िया जरिया और कोई हो ही नहीं सकता। पूर्वांचल वासी मान सम्मान चाहता है, रोजी रोटी के लिए हजार किलोमीटर दूरी आया है यहाँ पर, दिल्ली को विकास करने के लिए यहाँ पर आया है, साथ साथ सब कुछ तो मिल रहा है, उसको मान सम्मान नहीं मिल रहा है। मान सम्मान के लिए अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। 80 लाख 40 लाख यहाँ पर पूर्वांचल वासी दिल्ली में रहते हैं। उस दिल्ली में सबसे ज्यादा किरारी विधानसभा में पूर्वांचल वासियों का वास है, जिसमें 80% मतदाता सिर्फ पूर्वांचल वासी हैं किरारी विधानसभा में, जो अपना भाग का फैसला खुद करेंगे। मंच पर से उन्होंने पूर्वांचलियों के हित के बड़े बड़े दावे किए, उनके योगदान को अहम बताया। साथ ही बीजेपी विधायक अनिल झा पर भी जमकर निशाना साधा। बीजेपी वालों का तो यही हालात है, बीजेपी के हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर है, बीजेपी के विधायक यहाँ पर है, और आप यहाँ सुना होगा जो किस तरह उन्होंने आम आवाम के साथ अपमान का काम किया, तो बीजेपी का यही असली चेहरा है। वोट लेना है, पांव पकड़ लो, वोट ले लिया थप्पड़ मारो। पार्टी आलाकमान नीरज कुमार झा के इस शो से कितना खुश हुआ होगा ये तो नहीं पता, लेकिन टिकट के इस दावेदार का शो पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मजेदार था। साल के आखिर में होने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस चौथी बार दिल्ली की सत्ता पर राज करने का सपना देख रही है। अगर कांग्रेस इस मुगालते में है कि ऐसे नेताओं के दम पर एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता से दूर रखा जा सकता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। राजेश खत्री, टोटल न्यूज़, दिल्ली।